व्हाट्सअप सो सिद्धू भाई के जब भी किसी गाने का रिएक्शन वीडियो निकालता हूँ तो हर बार एक गाना लोग जरूर कमेंट करते हैं, वो है संजू के। यार संजू को कवर करो यार। एंड ऑनेस्टली मुझे भी इस गाने के लिए पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि संजू मुझे पता है कि यार संजय दत्त से कुछ तो रिलेशन है। इस गाने का क्या है उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन सुपर डुपर एक्साइटेड टू लिसन टू दिस वन, क्योंकि बहुत टाइम से ये ड्यू था। और गाने का ट्रांसलेशन मुझे पंजाबी नहीं आती, आपको पता है ये चीज, तो मैंने ट्रांसलेट सिंह भाई के चैनल को खोल लिया है, वहां से गाना सुन के देख के पढ़ के समझेंगे, तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी संजू में क्या है। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। ओह यस, ये वाला एनिमेशन मुझे याद है, ये कई सारे गानों में आता था। बड़ी बड़ी खबर, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट दी तारा लगाई गई है। वो असला चलाउंदा वखाई दिता सी AK-47 दे नाल। सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को सजा का ऐलान और आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को 5 साल की सजा। पहले सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात हुई कि इनके ऊपर AK-47 और दूसरा संजय दत्त। क्या ये AK-47 वाली वही वाली क्लिप है क्या जो मैंने YouTube पे देखी थी? एक क्लिप जिसमें एक गन चला रहे हैं, शायद वही थी, AK-47 ही चला रहे हैं, उनके बगल में एक पुलिस वाले भी खड़े थे, शायद वही वाली क्लिप है, वही वाली है क्या? कम से कम सदा 5 साल की होगी। अच्छा, संजय दत्त की आवाज वास्तव मूवी। आओ गप्परू ते केस जेड़ा संजय दत्त ते, याटी उते केस जेड़ा संजय दत्त ते। इसलिए दोनों को सुनाया था, अब समझ आया कि जो इनके साथ हुआ है वही संजय दत्त के साथ हुआ है। एंड एक्चुअली में अगर वो उन्होंने इस चीज को हुक बनाया है ना, ये ऑफिशियल वीडियो है ना गाने का, जहां तक है संजय दत्त का, अगर इन्होंने गाने का हुक संजय दत्त को लेके बनाया तो इससे ही समझ आता है कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो संजय दत्त के कितने रिस्पेक्ट करते होंगे कि गाने का हुक में अपने आप को कंपेयर से कर रहे हैं संजय दत्त से। टुपाक की आवाज, टुपाक का गाना भाई, दे नेवर टेक मी अलाइव, क्या बढ़िया ओल्ड स्कूल बीट है ब्रो, द किड वेरी गुड बीट। उन सबको निकलते ही गिफ्ट दूंगा, ठीक है। देखो जेल अगले सोमवार तारीख आ रही है, जेल से निकलने के बेल होने के चांसेस बहुत ही वीक है, लेकिन निकलते ही सबको गिफ्ट दूंगा जो मेरे लिए खुशियां बांट रहे हैं मेरे अंदर जाने के। बचने नहीं जेड़ा मेरा बैर खटते, ये बचने नहीं मेरा बैर खटते। आओ गप्परू ते केस जेड़ा संजय दत्त ते, याटी उते केस जेड़ा। लेकिन कसम से बता रहा हूं यार, तुम लोग मतलब जब ये गाना आया होगा, तुम लोगों ने पहली बार सुना होगा, तुम लोग दिमाग नहीं खराब हो गया कि क्या क्या गाना बनाया है, क्या बाउंस जा रहा है गाना, और लिटरली भाई बड़े स्पीकर्स में फटने वाला गाना, कार में बजने वाला गाना, अपने दोस्तों के साथ फटने वाला गाना, क्या गाना बनाया भाई। आवाज में थ्रो सुनो इनकी। अच्छा, ऐसा कोई हु हैज नॉट सोल्ड है ना, ऐसा कोई बाज नहीं है जिसको चोट ना लगी हो। ये रियल लाइफ संजय दत्त की इमेजेस हो गए। भाई साहब कसम से, भाई कसम से यार, भाई बोलता ना सिद्धू मूसेवाला जो है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक सिंगर का गाना सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है भैया एक पंजाबी मूवी है, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला के गाने मूवी हैं और उनका हर गाना जो है वो मूवी का सीन है ना। तो अब ये जो मूवी के हमारे, क्योंकि भाई देखो मैं बहुत ही नॉर्मल आदमी हूँ, मैं ये जो जिंदगी ये जी के गए हैं ना, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता, मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं है। तो ये जो है, ये हमारे जो हीरो हैं, अभी इनकी जिंदगी में ये सीन चल रहा है, बिल्कुल ऐसी फील आती है, हर गाने में एक मूवी का सीन चल रहा होता है मेरे लिए। अच्छा, एक चीज मैं और नोटिस कर रहा हूं कि यहां पे अगर देखो ये जो धुंधला ब्लर कर रखा है, तो ये क्या, एक तो इतनी देर से मेरे मन में चल रहा है कि क्या ये थाने में है,
है ना, जितनी भी क्लिप्स आ रही है ऐसा लग रहा है कि ये थाने की, जब ये थाने में थे उसकी क्लिप्स को लेकर विजुलाइजर ये बनाया गया। दूसरा आई थिंक ये न्यूज चैनल्स पे जो दिखाया जा रहा था उसी को ले लेके इन्होंने अपना गाना बना दिया, उसी को ले लेके वीडियो बना दिया। खतरनाक, खाली सिद्धू मूसेवाला ही एक अपनी ऐसी पर्सनैलिटी अपना ब्रांड बना सकते हैं दुनिया के सामने कि ये लो भाई ये है जो है ये है। वकील है उल्टी सीधे बातें बोलते हैं लेकिन जो सारी दुनिया का जज है वहां पे मेरी अपील चल रही है। आपे हाथ रखो साडी पट्टे, आपे हाथ रखो साडी पट्टे, आई मीन आई थिंक ये मेरी बैक के ऊपर वो हाथ रखता है भाई, मैं मुझे कौन जज करेगा, मुझे कौन वो कुछ कर पाएगा। यही तो है वो वाला वीडियो जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, यही है वो वाला वीडियो है ना जिसकी वजह से आई थिंक ये पूरी पूरी बात फैल गई थी, बड़ी हो गई। पर्सनैलिटी देखो भाई, पर्सनैलिटी भाई, मैं ऑलमोस्ट मैं 6 फुट के करीब का आदमी हूं, ये मुझे लगता है 6'3" 6'4" पता नहीं क्या थी इनकी हाइट, इनकी हाइट बताइए कमेंट में। यहां मैं कुर्ता पहन के दुनिया के सामने, दुनिया इंडिया के बाहर जो है वहां भी परफॉर्म करेंगे अपना शो पैजामा कुर्ता पहन के, क्या बात है भाई, मतलब कल्चर को बिल्कुल नहीं छोड़ा, पर्सनैलिटी देख रहे हो यार आदमी की। डैम एक सेकंड, अखां विच भावें लड़कां मैं कईआं दे चौण वाले खुश बिंदे बिंदे देख के छोटां दा देखी तू रिकार्ड टुटना हाथ ना दोबारा उत्ते जिंदे दे। एक मिनट, डोंट लाफ राइट नाउ, लुकिंग एट द लॉक ऑफ द मेन गेट अ रिपोर्टर क्लेम सिद्धू फ्लड एज हिज हाउस वाज लॉक्ड ड्यूरिंग AK-47 कौन ये फरार हो गए घर से निकल के चले। कैसे ना बोलूं कि ये पिक्चर की कहानी है, नहीं है, कौन करता है रियल लाइफ में ये सब चीजें, जो ये सिंगर हम इनको सिंगर मानते हैं, दुनिया सिंगर जानती है, लेकिन ये कहां भाई, इनका अपना कुछ चल रहा था भाई। हुकी इतना ज्यादा कैची है ना कि जब ये बजेगा तो इसी के ऊपर कूदो। खराब सोड़ी है थप्पे बंदियां दे विच सदा आगे खड़िया, पर्सनैलिटी देखो यार, तेरी तानी खराब सोड़ी है बंदियां दे विच सदा आगे खड़िया तानू पिठ पिछे आ पंजाब सोड़ी है आओ सिद्धू मूसेवाला सदा जंदा कटते आओ दिलदा निमाला आओ गप्परू ते केस जेड़ा संजय दत्त ते यट्टी उत्ते केस जेड़ा संजय दत्त ते। संजय दत्त की पर्सनैलिटी देखो ये लाइक संजय दत्त द माचो मैन हिबी माचो है ना विद द इनोसेंस ऑन हिज फेस, एग्जैक्टली यही अगर मैं देखूं तो यही डिस्क्रिप्शन सिद्धू मूसेवाला का भी है, माचो इज अमंग द माचो एंड विद द इनोसेंस इन ऑन हिज फेस। रुको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के गाने के जो आउटरो होते हैं वो आउटरो है ना जबान के ऊपर एक अलग खाने के बाद जो ना मीठा देके जाते हैं, तो पूरे गाने का सार है ना इनके आउटरो में आ जाता है। यस, आओ हवा दिया बोलिया ते उठ पैंदियां करी ना यकीन करदा ते सुनिए, अच्छा हवा के साथ जो धूल उड़ती है उसका यकीन ना करो, लंडुआ नु सदा पैंदियां ने लानता लंडो का हमेशा लानत ही मिली है और ये जो केस पूस पड़ते हैं वो मर्दों पे टेंशन ना लिया कर ऐसे केस पूस पे, अरे बाप रे।
ऑफिशियल वीडियो ली। ओ ये ऑफिशियल वीडियो नहीं था, मुझे लगा ये ऑफिशियल वीडियो है। अबे चलो कोई नहीं, अगर कभी मन करा तो भाई ऑफिशियल वीडियो भी कवर कर लेंगे। ऐसा क्या है यार, रिस्पेक्ट टू माय फेलो ऑनरेबल ऑनर जूजेस माय कंट्री आई एम थैंकफुल टू बिलीव। ये गाना क्या तब निकाला था जब केस चल रहा था, केस के बीच में बोलता हूँ ना भाई, ये सिद्धू मूसेवाला जो है भैया, इनके गाने में गानों की तरह सुनता ही नहीं हूँ। ये पंजाबी इनके सारे गानों से एक मूवी बना दी है इन्होंने, और हर गाना जो है मूवी का एक सीन है। तो ये जो सीन था भाई, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा यार, क्या गा रहा है यार, माँ कसम यार, काश ये गाना तब आया, तब मैंने सुना होता जब ये रिलीज हुआ था, फट गया होगा मार्केट यार। इस गाने ने कितने रिकॉर्ड बनाए होंगे, नहीं मुझे प्लीज बताया इस गाने के बारे में, जो भी तुम्हारी यादें हैं कि जब ये गाना रिलीज हुआ था तो भाई तुम्हें कैसा लगा था यार, क्योंकि फटने वाला गाना बनाया भाई, फटने वाला बम फट गया भाई, मतलब समझ रहे हो मेरा, मतलब वायरल ट्रैक एंड दिस दैट व्हाट नॉट रिकॉर्ड एवरीवेयर। सिद्धू मूसेवाला का नया गाना आया है संजू, बाप रे बाप भाई, वो जमाना और होगा यार, काश मैं इनको तब सुनता जब ये आए, जब ये अपने प्राइम पे, एक्चुअली ये प्राइम ही पे रहे हैं। लेकिन बात ये यार, मैं इसलिए नहीं सुन पाया यार, दुनिया में इतना सारा संगीत है, और मैं थोड़ा सा जब कोई आर्टिस्ट बहुत पॉपुलर होने लगता है ना, मैं उनसे दूर भाग जाता हूँ, मुझे लगता है नहीं यार ये बहुत कमर्शियल होंगे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के साथ तो इसका उल्टा था, ये बिल्कुल ही नॉन कमर्शियल गाने बना के कमर्शियल गानों से ज़्यादा पॉपुलैरिटी पा रहे थे, गानों में दम था, टैलेंट था, आर्टिस्ट में दम है। तो ओ बाप रे बाप, ठीक है ना यार, मैं गाने के बारे में कोई फीडबैक नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। इनके गाने ऐसे होते हैं ना जिसमें मुझे 19 नहीं लगता, कोई सब 20, अगर मुझे 20 चाहिए तो 21, 22, 23 ही चल रहा होता है, मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ होती है, गाने का लेवल यहाँ हो जाता है, मैं क्या ही बोलूँ इनके गाने के बारे में। तो लेकिन मज़ा आया, अगला गाना कौन सा कवर करना है प्लीज़ वो कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मुझे अब कुछ नहीं, आई डोंट गिव अ फक। आई थिंक ये वाला गाना बहुत लोग बोल रहे थे कवर करने के लिए, जो भी आप बताइए जिस गाने के नाम के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे वो गाने को मैं अगला कवर करूंगा। एंड अगर आपको सिद्धू मूसेवाला भाई के अलावा और भी कोई म्यूजिक सुनने में, म्यूजिक की न्यूज़ के बारे में, ऐसी म्यूजिक रिलेटेड है ना, फन एंटरटेनिंग कंटेंट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आईडी का नाम है @AKINO। लेकिन अगर खाली सिद्धू भाई में इंटरेस्ट है तो यूट्यूब चैनल पे ही रहिए, है ना, यहाँ पे उनके गाने कवर करेंगे, ठीक है भाई। कमेंट में बताइए अगला गाना कौन सा कवर करो, ठीक है, चलिए बाय, पीस।